स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। साहिब की बातें बड़ी ज्ञानवर्धक थी, बड़ी प्रैक्टिकल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ो काल बसाई। इस तरह मन के चार रूप, मन का विश्लेषण किया। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। इस थीम पर साहब बोले। आइए देखें, बिल्कुल हकीकत लग भी रहा है। आत्मदेव कहीं दूर से भी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा देखें, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। थोड़ा मन को देखें, कैसा मन है, और मन दिखाता हूँ। आत्मा बंधी हुई है, कैसे बंधी हुई है। इस पर साहब ने कहा, मन के चार रूप है। निराकार मन ही को जानो, मन नहीं दिखता है, पर मन के चार रूप हैं, मन बुद्धि चित अहंकार। आओ पहले हम निराकार समझें। साकार क्या है? साकार जिनका आकार है। मैं विद्वानों से पूछता हूँ, पांच ये पंच भौतिक तत्व, भौतिक क्या है जो दिखे? मैं कहता हूँ मुझे पंच भौतिक तत्व दिखाओ, तो कहते हैं जी पृथ्वी। मैं बोला ये धरती में देख रहा हूँ, जल, अभी पानी पिया, मैं पानी से परिचित हूँ। तीसरा अग्नि, हाँ अग्नि को जानते, रोज घर में जला रहे हैं। चौथा वायु, मैं बोला वायु कहाँ है? बोला ये पेड़ हिल रहा है। मैं बोला ये तो पेड़ हिल रहा है, वायु दिखा मुझे, तो कहते वायु नहीं दिखती। मैं बोला फिर साकार कैसे हुई, फिर कैसे साकार हुई? हम वैज्ञानिक तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं। आओ मैं वायु दिखाऊं। भाइयों ये चारों तरफ जो देख रहे हो ना आसमान झुका हुआ, ये आसमान, ये वायु है। कहीं स्काई ऐसे झुका नहीं है छतरी नुमा, ये वायु है। वायु नजदीक से नहीं दिखेगी, जैसे बढ़ते जाओ ऐसा दिखता जाएगा, फाग और वायु नजदीक नहीं। ये मैं प्रमाणित करूंगा। साहब कह रहे हैं पी लो, रंग है धरती को मीठो इसको स्वाद, श्वेत रंग है नीर को। साहब ने सभी पांचों तत्वों का रंग स्थिति स्वाद बोला। श्वेत रंग है नीर को खारो इसको स्वाद, लाल रंग है अग्नि को तीखो चरपरो स्वाद, हरो रंग है वायु को खट्टो इसको स्वाद। वायु का स्वाद खट्टा है, इससे उत्पन्न हुआ। और रंग हरा, आप गाड़ी में बैठे गैस बन गई क्योंकि आंतें खराब थी, आंतों में मल था, जैसे हिले तो मल बाहर गिरते ही दुर्गंध देता है, तो आपके गैस बन गई और उल्टी आई, खट्टी डगारे आई। आपने तो खट्टाई खाई नहीं थी, खट्टी डगारे आई कहाँ से? आपने तो खट्टाई खाई नहीं, ये वायु है। कालो रंग आसमा बोल रहे आकाश का है, तो कहते जी ये जो आसमान है, नहीं नहीं ये तो हम प्रकाश देख रहे हैं स्पेस, कहते नहीं दिखता है। फिर आपने वायु को आकाश मान लिया, ठीक है, जो ये देख रहे हैं ये वायु तत्व है। फिर आकाश कहाँ है? बोलते आकाश नहीं दिखता है। मेरे भाई फिर साकार कहाँ से हुआ? मैं आकाश दिखाता हूँ, कालो रंग आकाश को। डार्क मैटर इज एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, जो अंधेरा है ये आकाश तत्व है, इसलिए सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मांड में 90% अंधकार है, सूर्य केवल इस ब्रह्मांड में 10% रोशनी देता है, बाकी 90% डार्क अभी इस अंधकार पर शोध। ये पांचों तत्व है, मन निराकार है, नहीं दिखेगा, पर मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये मन सोचता है इसकी संज्ञा है मन, जब ये फैसला करता है इसकी संज्ञा है बुद्धि, जब याद करता है इसकी संज्ञा है चित्त, जब क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। इसका मतलब है जो इच्छाएं ये आत्मा नहीं है, ये पूरा मन है। आओ मन दिखाऊं। जो ये कह रहे हैं मैं जसवंत हूँ, ये मन है। जो कह रहे हैं मैं हूँ, ये मन है। जो इंडिविजुअलिटी अनुभव कर रहे हो, ये मन है। ये जो आपकी मैं है इसी ने आत्मा को दबाया हुआ है, आत्मा तो इससे परे है। इंसान क्या कर रहा है? बुद्धि से जो भी फैसला कर रहे हो
ये आपका फैसला नहीं है, ये तो मन। मन का दूसरा रूप है जब इच्छा करते हो, आपकी इच्छा नहीं, आत्मा संकल्प विकल्प से परे। मन का तीसरा रूप है चित्त, जो याद कर रहे हो मेरी बीबी है, मेरा घर है, ये भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। चौथा अहंकार, एक्टिविटीज क्या, उठना बैठना चलना खाना पीना, ये मन है। तो साहब कह रहे हैं मन खाए मन सोए, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से और मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे। देखा पूरा काम वो कर रहा है। आत्मदेव गुमे, आत्मदेव का आता पता ही नहीं है। मैटर करता ब्रेन, ये ब्रेन आत्मा नहीं है, ये मन है। जो कह रहे हो मैं फलाना हूं, ये आत्मा नहीं है, ये मन है। आत्मा इतनी बुरी तरह दबी हुई है, निर्लिप है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग को रंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा दबा रखी है। अब आत्मदेव ने भूल से मान लिया मैं जसवंत हूं, मैं शरीर हूं, मैं हूं, मैं मधु हूं। अब आत्मा भी ये मान रही है, आत्मा इन सबको संचालित कर रही है अपनी शक्ति से बंधन में। अब साहब क्या कह रहे, तुम इससे नहीं निकल सकोगे। ये बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। साहब भी कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पिए। इसलिए पहला ये, दूसरा तुम नहीं निकल सकते अपनी जागा से, तीसरा गुरु पार कर देगा, ये तुमसे नहीं होगा। इसलिए साहब ने संतत्व की धारा ने गुरु स्तप अस्तित्व स्तप। अब आगे बढ़ता हूँ तो संतत्व की धारा में भी चार चीजें मैटर कर रही हैं, मत मार्ग पद्धति और लक्ष्य। तो मत है भ्रंग मत, साहब ने किसको स्थापित किया, भ्रंग मते को। क्या कर रहे हैं साहब, भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। भ्रंगा, ये कौन है भ्रंगा, क्या है ये भ्रंग मता। सुनिए भाइयों, 84 लाख योनियों को चार भागों में बांटा, जलचर उखमज पिंडज और अंडज। चार खानों में क्यों बांटा, प्राणी चार, ये जीव चार जगहों पर रहते हैं, कुछ जल में, वो 9 लाख जीव है, वो जलचर है, उनका राजा है मगरमच्छ। कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उखमज। ये कितने, 27 लाख। इनका राजा कौन है, भ्रंगा। कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं, जो माँ के पेट से शरीर लेकर आते हैं, जैसे गधा कुत्ता घोड़ा बकरी ऊंट हाथी बंदर चैंपी, ये सब पिंडज है, ये जमीन पर घूमते। ये 30 लाख। चौथे हैं अंडज, जो हवा में रहते पक्षी वगैरह, ये 14 लक्ष है, तोता कौआ गिटारी गुरैया बया आदि, चील गरुड़, ये 14 लक्ष है। ये अंडज, ये पहले अंडा होते हैं। इनका राजा है बाज, और जो पिंडज है इनका राजा है शेर। इस तरह उखमज का राजा कौन है, भ्रंगा। ये क्या है भ्रंग मता, क्यों, भ्रंगा बड़ा निराला है, उसकी फीमेल नहीं है, औरत नहीं है, फिर ये कुल कैसे चला रहा है, कसब का है, बहुत अजीब है।
84 लाख योनियों में एक नेचर है, सब में जोड़ा है, मेल फीमेल, कुत्ता है कुतिया है, बकरी है बकरा है, ऊँटनी है ऊँट है, भरंगा अकेला है, कुल कैसे चलाता है, गजब है। 27 लाख किस्म के कृम कोटि में से किसी का भी लार्वा और पकड़ लेता है, लार्वा कीड़ा, उसको अपनी आवाज से अपनी तरह बनाता है। वाह आश्चर्य आश्चर्य, अपनी तरह बना देता है, किसी भी कीड़े को पकड़ेगा, चींटी के लार्वे को पकड़ कर भी अपनी तरह बना देगा, मक्खी के लार्वे को पकड़कर अपनी तरह बनाएगा। इसको अलग अलग नामों से बोला गया, पंजाब में इसको कहते हैं भंडारण, जम्मू कश्मीर में इसको कहते हैं कुम्हारन, यूपी में इसको कहते हैं बिलनी, और हिंदी में इसको कहते हैं भृंगा। ये क्या होता है, मिट्टी का घर बनाता है। होता कैसे है मैं बताता हूँ। आपने चीटा देखा ना, काला चीटा बड़ा, उससे थोड़ा लंबा और पतला होता है वैसा ही, लेकिन दो रंग होते हैं काला और लाल। उड़ता कैसे, यहाँ से उधर पहुँच गया, वहाँ बीच में नहीं दिखेगा, इतनी फास्ट जाता है। वो किसी भी कीड़े को पकड़कर अपने घर ले जाता है, उसकी अपनी मादा नहीं है, अपनी आवाज़ से बदल देता है, ये कमाल नहीं है। तो साहब कह रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। यहाँ क्या भाव है साहब का, कि गुरु तुम्हें बदल देगा, तुम अपने को नहीं छुटा पाओगे। इसलिए संत काल की भक्ति ने गुरु को बहुत महत्व दिया, बहुत ज्यादा साहब ने, योगियों ने नहीं दिया, कर्मकांडियों ने गुरु को महत्व नहीं दिया, साहब तो क्या कह रहे हैं, ये स्थापित किया अगर साहब ने, ट्रेन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, टेलीफोन अलेक्जेंडर, खगोल की न्यूटन, इस तरह भ्रंग मते का स्थापना साहब ने किया कर। तो उसमें कह रहे जैसे भ्रंगा किसी भी कीड़े को बदलता है, इस तरह एक पूर्ण सदगुरु तुम्हें चेतन कर देगा, तुम्हें बदल देगा, तुम्हें वो बदल देगा, तुम अपनी ताकत से नहीं बदल सकते हो। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। साहब कह रहे अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। इसलिए विनय वीथ में भी बहुत प्रार्थनाएं हैं, तुम अपनी ताकत से नहीं निकल सकते। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, भ्रंग मता होए जह पासा, वही गुरु सत्य धंगा, यानी वो तुम्हें अपनी तरह बना देगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है ये तो, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। आगे साहब कह रहे हैं, भ्रंग मता होए जह पासा, वही गुरु सत्य धर्म दासा। फिर कह रहे हैं, पुरुष रचनते नारी है, परम पुरुष ने आदिशक्ति को रचा, नारी रचनते पुरुष, फिर आदिशक्ति ने त्रिदेव रचे ब्रह्मा विष्णु महेश। पर पुरुषे पुरुषे जय रचा ते विरला संसार, पुरुष से पुरुष की रचना कैसे हुई, एक पूर्ण सदगुरु तुम्हें अपना रूप कर देगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिल गाए बिल गए नहीं एक रूप दो दे। इसलिए संतत्व की धारा भ्रंग मते पर कंसंट्रेट है, ठीक है, इसमें कर्मकांड नहीं है। और ये पद्धति साहब ने दी दुनिया को, ये पद्धति साहब ने दी, पहले योग था, कर्मकांड था, क्रिया थी, ये है भ्रंग मता, यानी गुरु अपना पावर तुम में ट्रांसमिट कर देगा, तब तुम बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते हो। इसलिए साहब की वाणी में बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी है, इसी बात पर कंसंट्रेट किया, गुरु सुरति सुरधीन समाना, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत, कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। गुरु हैं बड़े गोविंद से,
कह रहे हरि सुमरे सो वार हैं, अरे गुरु सुमरे सो पार। आप विचार करके देखें, साहब ने आकर ये बात स्थापित की, ये है रंगमता, पहले नहीं था। योगी तो कह रहा तू योग कर तब तेरा काम बनेगा, कर्मकांडी तो कह रहा शुभ कर्म कर तब जाएगा स्वर्ग में, पर साहब ने कहा कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दे पहुँचाए, तुम्हें बदल देगा, अपनी तरह बना देगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ, मार्ग क्या है? विहंगम, मूल साहिब की शिक्षा। विहंगम क्या है सुनो, विहंगम पक्षी को कहते हैं विहंग, और ध्यान को भी। इसमें केवल सुरती योग है, सुरती को संभाल लेना। साहब ने कोई कर्मकांड नहीं बोला, जो कुछ है वो सुरती है, और ये सुरती दुनिया में घूम रही है। सुरती को गुरु चेतन कर देगा, और सुरती गुरु के पास रखना, गुरु के सुमरण मात्र से विनिशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इसलिए सुरती योग बोला, कोई कर्मकांड नहीं बोला, कोई क्रिया अन्य अन्य नहीं बोला। पद्धति क्या है? गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति को स्थापित किया किसने? घबरा हर के रूटते गुरु की शरणी जाए, गुरु भक्ति पर कंसंट्रेट किया। ध्यान मूलम गुरु रूपम वैसे भी कहा, पर साहब ने इस पर कंसंट्रेट कर दिया, हमें भक्ति समझनी है। पूजा मूलम गुरुपादकम, ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु शरण। क्योंकि ये पूरा काम क्या कर देगा? वाह, पूरी ताकत आप में ट्रांसमिट कर देगा, गुरु चेतन कर देगा, तुम्हें अपनी तरह बना देगा, इसका प्रमाण मिलता भी है। ये कंसंट्रेशन के वाइब्रेशन से तुम्हें जागरूक कर देगा। ये पद्धति निर्गुण में नहीं है, निर्गुण में यह है कि भाई तू अपनी योग साधना करके चक्र भेदन चक्र शोधन कर, टफ है। और सरगुण में शुभ कर्म कर तब स्वर्ग में जाएगा, गुरुजी कहीं नहीं पहुंचाएगा। और सदगुरु धारा में कि ये पूरा काम गुरु कर देगा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया कर नेह, बिल गाए बिल गे नहीं एक रूप होते। गुरु तुम्हें मुक्त कर देगा। है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। इसलिए संतकाल के ये 250 साल गुरु के इर्द गिर्द घुमाया साहिब ने, कितना घुमाया। आगे सतर्क कर रहे हैं, आगे सावधान कर रहे हैं। हरि सेवा युग चार हैं, गुरु सेवा पल एक, तिसका पट्टन ना तुला संतन किया विवेक, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए, आदि आदि ये शब्द। और उस थीम को मानने वाले जो संत हुए वो संत कहलाए, उस देश में गए। अब गुरु कैसा हो, साहब क्या बोल रहे हैं? कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। कहते हैं मैं चेले के लक्षण भी बताता हूँ, गुरु के भी। गुरु की इतनी तारीफ करने के बाद गुरु के लक्षण साहब बोल रहे हैं। अरे बहुत गुरु है, अजगमाई हरे द्रव्य कछ संकट नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। वो कह रहे नहीं, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोही जो तत्व विचारा, अरे पेट के कारण करे गुरु आई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। देखो कहता हूँ हेला फरमान, गुरु का गुरु चेले का चेला। कह रहे मैं गुरु के लक्षण भी बता रहा हूँ, चेले के भी बता रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कहा कि चेले तू गुरु के पीछे लगा रहे, कैसा गुरु हो ये भी बता रहा हूँ। अब गुरु कैसा हो, सतर्क कर रहे हैं, बहुत गुरु है अजगमाई हरे द्रव्य कछु संकट नाही, सिर्फ धन के लिए पेट के कारण करे गुरु आई। 60 लाख गुरु वालों घूम रहे पेट पालने के लिए, उन्होंने एक पद्धति बना रखी है। कह रहे हैं धोखा है यहाँ, तू सावधान हो। कैसे सावधान? कह रहे हैं गुरु के लक्षण कह तू सुनो धीर चित लाए। धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। पानी पीजिए छान के गुरु कीजिए जान के, बिन जाने जो कोई गुरु करे सो नहीं भव सागर ते तरई, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। अब साहब कैसा बोल रहे हैं सुनो, भद्र वेश मुद्रा अति सुंदर, उसका पहनावा भद्र हो शिष्ट हो। पहनावा मैटर करता है,